हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग फटाक पे लोन एप्लीकेशन के बारे में। बहुत दिनों से मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि फटाक पे लोन एप्लीकेशन पे एक पूरा वीडियो लेकर आया जाए, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फटाक पे लोन एप्लीकेशन से। अगर आप लोग लोन ले लेते हैं और किसी भी कारण से रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। तो उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और इन फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो उसका आपको हल भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले कि ये एप्लीकेशन 100% RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और आप लोग इस तरह की एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो फिर वो आपका सिविल स्कोर में भी शो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन ले लेंगे तो वो आपको सिविल स्कोर में भी शो करेगा और रिपोर्ट करेंगे। वो आपको एक दिन में अपडेट नहीं होता, अपडेट होने में 2 से 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप लोग टाइमली पेमेंट नहीं करते तो फिर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं तो ऐसी एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट में आपको कॉल करके काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं, साथ में आपका इंटरेस्ट रेट फीस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे, और फिर इसके साथ आपका जो लोन का अमाउंट होगा उसको डबल से ट्रिपल भी कर देते हैं अपने मन मुताबिक। इसका कोई भी फिक्स रेट नहीं होता कि कितना डबल या कितना ट्रिपल ये लोग कर सकते हैं। 10,000 का लोन था, वो कुछ महीनों बाद आपको 20,000 का भी देखने के लिए मिलेगा, और फिर आपको 20,000 रुपये रिपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ऐसी कंडीशंस में ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कि ये जो लोन आपने लिया है ये पर्सनल लोन लिया है, और कोई भी कंपनी पर्सनल लोन अपने रिस्क पे देती है, और अगर आप उसका रिपेमेंट टाइमली नहीं कर पाते तो वो आपको लोन सेटलमेंट का ऑप्शन भी देती है, और साथ में टाइम भी और दे सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम पे ही पे करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश आप लोग यही कीजिए कि अगर आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है तो आप लोग टाइम पे ही पे कर दीजिए। मैं यही लोगों से कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइमली ज़रूर से ज़रूर पे कर दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आपका सिविल स्कोर डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस है। सिविल स्कोर अच्छे होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और सिविल स्कोर अगर ख़राब हो गया तो फिर आपको इन फ्यूचर में लोन लेने में या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक फेक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस देख के लोग पूछते हैं बार-बार कि क्या ये रियल नोटिस है। व्हाट्सएप पे बार-बार नोटिस मुझे सेंड करते रहते हैं कि जो नोटिस आया है व्हाट्सएप पे मेल पे, ये क्या रियल है कि फेक है। तो दोस्तों, वो एक नोटिस नहीं होता, वो एक तरह का रिमाइंडर होता है जो आपको सेंड किया जाता है एज अ नोटिस के फॉर्म में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपने किस डेट में कितना लोन लिया था, किस कंपनी से लिया था, कितना आपका रिपेमेंट अभी ड्यू है। बस वो एज अ रिमाइंडर आपको भेजा गया है कि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए कि आपका इतना इतना लोन ड्यू है। इसके अलावा वो कोई नोटिस का और कोई कुछ भी काम नहीं है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग नोटिस भी आ गया, ये सब कुछ हो गया, और इन फ्यूचर में आपको ज़्यादा लेट हो रहा है पे करने में, तो फिर आप 1-2 साल रुक जाएं और फिर लोन को सेटल कर दें। पर्सनल लोन है, आसानी से सेटलमेंट हो जाएगा। 10,000 रुपये अगर फाइन चार्जेस होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में भी कुछ पैसा कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लोन सेटलमेंट आगे चल के कर सकते हैं, लेकिन इन कंडीशन आप लोग पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द इन लोग का लोन जो है वो क्लियर कर दे, ताकि सिविल में आपको फिर इन फ्यूचर में ज़्यादा गिरावट देखने के लिए ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको आई हो पसंद, तो वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब